नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस, मैं हूं आपके साथ चुई सिंह। बात करेंगे खबरों की। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, लालू यादव के करीबी के ठिकानों पर ईडी की रेड, बालू माफिया। सुभाष यादव के ठिकानों पर ईडी की रेड। तो पटना से बड़ी खबर सामने आ रही, लालू यादव के करीबी के यहाँ ईडी की रेड है और बालू माफिया। बालू माफिया सुभाष यादव के ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। दानापुर समेत कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। झारखंड से आरजेडी के टिकट पर लड़ चुका है चुनाव। तो पटना से ये बड़ी खबर सामने आ रही, दानापुर समेत कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है और लालू यादव का करीबी बताया जा रहा है। और सुभाष यादव नाम है जिसका, वो लालू यादव का करीबी है और उसके यहाँ जो है ईडी की रेड जारी है और कई ठिकानों पर जो है ईडी छापेमारी कर रही है। तो पटना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, लालू यादव के करीबी बताया जा रहा है सुभाष यादव, जिसके यहाँ जो ईडी की रेड जारी है, क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल जी, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के बिल्कुल करीबी हैं सुभाष यादव, बताया जा रहा है कि बालू रेत का इनका काम था, खनन का काम बताया जा रहा था। आज ईडी जो है इनके घर पे छापेमारी कर रही है। लालू प्रसाद यादव के बिल्कुल करीबी माने जाते हैं और पार्टी में इनका बहुत बड़ा योगदान है लालू प्रसाद यादव की में। लेकिन उसके बाद बात की जाए, जिस तरीके से ईडी ने आज इनके घर पे शिकंजा किया है, शिकंजा मारा है, तो उसमें जो इनके दस्तावेजों को खंगाल रही है और इनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं इनको सबको चेक कर रही है। क्योंकि बताया जा रहा है कि काफी इन्होंने जो है इसमें डाटा वगैरह में छेड़छाड़ की है और इस तरीके से ईडी आज इनके आवास पर पहुंची है। तो लालू प्रसाद यादव की बिल्कुल ही करीबी बताए जाते हैं कि लालू प्रसाद यादव बिल्कुल करीबी राइट हैंड है सुभाष यादव। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ईडी आज इनके घर पे छापेमारी कर रही है, सुबह दानापुर से लेकर तमाम जो ऐसी जगह हैं जहाँ जहाँ इनके अपने मकान बनाए हुए हैं, तो उन्हीं सभी मकानों पे इनके जो है ईडी छापेमारी कर रही है। जी बताया जा रहा है कि साल 2018 में भी इनके यहाँ छापेमारी हुई थी। देखिए हाँ बिल्कुल जो है, जिस तरीके से साल 2018 में पहली जो छापेमारी थी इनके आवास पर हुई थी, उसके बाद जो है दूसरी छापेमारी आज हो रही है। जिस तरीके से सुभाष यादव बिल्कुल करीबी बताए जाते हैं पटना, और साथ ही बताया जा रहा है कि ईडी अभी इन पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इसी जो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं इनके वो भी खंगालने में लग रही है। लेकिन उससे ज्यादा बताया जा रहा था कि सबसे बड़े का जो काम था वो बालू का काम बताया जा रहा था कि बालू का काम करते थे, रेता का सप्लायर थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ईडी ने आज इनके घर पे शिकंजा करता है, तो शिकंजा करने के बाद लालू प्रसाद यादव के ये बिल्कुल राइट हैंड बताए जाते हैं कि जून 2018 में पहले जो छापेमारी हुई थी तो उसमें भी काफी इनको जो है बताया गया था कि काफी इन्होंने जो अपना टैक्स है वो भी नहीं भरा। ईडी पूरे मामले की जांच पड़ताल करी है, इनके डॉक्यूमेंट्स को भी अभी जो है आवासों पर जाके जो खंगाल रही है। इनके जितने भी अलग अलग मकान बने हुए हैं, झारखंड से जो है टिकट भी लड़ा, चुनाव भी लड़ चुके हैं, क्योंकि इस तरीके से बताया जाता है कि सबसे पहले जो चुनाव लड़े थे तो ये जो है आरजेडी से चुनाव लड़े थे उस समय, तो लेकिन आज जो है लालू प्रसाद के करीबी माने जाते हैं। तो इसी चक्कर में ईडी आज इनके आवास पे जो है छापेमारी कर रही है। जी अगर बात करें तो इनके यहाँ जो पटना में भी है, कई थानों में मुकदमा दर्ज है और ये लालू परिवार से इनका कोई पारिवारिक रिश्ता तो नहीं है, लेकिन काफी करीबी माने जाते हैं। देखिए बिल्कुल बात बताई जाए, जिस तरीके से पटना में जो है अलग अलग थानों में मुकदमे भी दर्ज हैं और लालू प्रसाद के जो है इनका पारिवारिक कोई रिश्ता इस तरीके से नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि एकदम बिल्कुल करीबी माने जाते हैं। पार्टी में जो है पहले से इनका बड़ा योगदान रहा था लालू प्रसाद यादव के साथ में, लालू प्रसाद यादव के घर पे आते जाते थे। लेकिन उससे बताया जाता है कि लालू प्रसाद यादव के बिल्कुल राइट हैंड इनको जो है माना जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से ईडी ने आज इनके घर पे शिकंजा कसा है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस तरीके से अलग अलग तरीके पे जो है अलग अलग जो आवाज इन्होंने बनाए हैं उन घरों पे जाके छापेमारी चल रही है, जा उससे पूछताछ कर रही है जो परिवार के लोग हैं और इनके जो ड्राइवर हैं और जो इनके साथ रहते हैं गनर, उनसे भी जो है ईडी पूछताछ कर रही है। जी बताया जा रहा है कि तकरीबन आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी जारी है। कौन कौन से जगह है जहाँ छापेमारी की जा रही है? देखिए बता दें कि दानापुर एक बिहार के अंदर जगह है और उसमें जो है बताया जा रहा है कि जो अलग अलग समेत कई इनके जो अलग अलग इलाके में मकान बन रहे हैं उसके छापे मारे हैं। झारखंड से टिकट भी लड़ा है, जो है चुनाव भी लड़े हुए हैं और दानापुर में इनकी काफी आवाज जो बन रही है उन आवाजों में छापेमारी चल रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि अलग अलग ठिकाने हैं और इनके जो सहयोगी हैं, जो इनके आसपास के लोग हैं, जो इनके साथ रहते थे, उन लोगों से भी ईडी पूछताछ कर रही है, इनके परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। और साथ ये भी बताया जा रहा है कि ईडी जो है पूरे मामले छानबीन
जो है कर रही है, लेकिन उससे पहले जो है पहले से ही सुबह ये करीब 8 बजे से छापेमारी चल रही है इनके आवास पर। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के बिल्कुल करीबी हैं और करीबी होने के नाते इस तरीके बताया जाता है कि ईडी जो छापेमारी कर रही है, क्योंकि उसके सबसे पहले जो है इनके ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाया गया था कि ये बालू का काम करते थे खनन माफिया के, उसमें भी इनका आरोप लगाया गया है। काफी थानों में इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज है, लेकिन आज ईडी ने इन पर काफी शिकंजा कर दिया गया। जी नितिन, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में जंगल सफारी के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने जीप से काजीरंगा की प्राकृतिक खूबसूरती को देखा। इसके बाद पीएम ने हाथी की सवारी भी की। उनके दौरे से जुड़ी तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पीएम मोदी जंगल सफारी का पूरा आनंद ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यहां नेशनल पार्क की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से भी मुलाकात की। वहीं यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल की अपनी पहली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले उद्यान के सेंट्रल कोहोरा रेंज के मिहिमुख क्षेत्र में हाथी की सवारी की और उसके बाद उसी रेंज के अंदर जीप सफारी की। काजीरंगा नेशनल पार्क में पीएम मोदी ने हाथियों को संभालने वाले महावतों से भी मुलाकात की। और नोएडा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हॉस्टल के खाने से फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए छात्र। करीब 100 छात्र फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। आरएन रेजिडेंसी और लॉयड के हॉस्टल में रह रहे हैं छात्र। अस्पताल में इलाज जारी। छात्रों ने लगाया आरोप, छात्रों को परोसा गया गलत खाना। तो नोएडा से ये जानकारी सामने आ रही है, हॉस्टल के खाने से फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं लोग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन चौधरी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, नोएडा में जो है फूड पॉइजनिंग का शिकार जो है कई सारे छात्र हुए, क्या जानकारी है इसको लेकर? जो बिल्कुल बता देंगे, जो जिस तरीके से जो है काफी बताया जा रहा है बीमार होने के सामने शिकायत मिली थी, लेकिन अब जिस तरीके से मामला काफी फैल गया, 100 से ज्यादा छात्रों को बताया जा रहा है फूड पॉइजनिंग में। लोगों को जो कुछ इस तरीके से मिलावट का जो खाना दिया गया था, लोगों का कहना है कि हमें यहाँ पर जो है गलत खाना दिया गया था। जो छात्र थे वो हॉस्टल में रहते थे, बताया जाता है कि जो संचालक है हॉस्टल के, जो मालिक है, उनसे पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लगातार इस मामले की जांच पड़ताल में जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। जो वहाँ पर खाना बनाने वाले लोग थे उन दो लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले रखा है। अभी पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पता चलेगा कि जिस तरीके से 100 से ज्यादा लोग यहाँ पर जो है बीमार हुए हैं, बीमार होने का कारण यही बताया गया है कि जिस तरीके से जो है खाना यहाँ पर भेजा जाता था, खाना बना के यहाँ पर खवाया जाता था, लेकिन इसमें कुछ कमी मिली थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से फूड के जो का बताया जाता था कि उस वहाँ पर जो काम कर रहे हैं जो मालिक है हॉस्टल का, उसे भी पुलिस ने अपने साथ गिरफ्तार कर रखा है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जो है हॉस्टल आता है, उस हॉस्टल में पुलिस ने कल रात से ही छापेमारी कर रखी है, क्योंकि उनसे पूछताछ के लिए, क्योंकि कल से जो है जो वहाँ खाना बनाने वाले संजय थे वो खाना बनाने वाले लोग चले गए थे। लेकिन उसके बाद जब सुबह आज वो पहुंचे वहाँ पर, जब पता लगा कि इससे ज्यादा 100 से ज्यादा लोग यहाँ पर फूड पॉइजनिंग के जो है काफी लोग जो है बीमार हुए हैं, बीमार होने का कारण पूरी तरीके से अभी स्पष्ट नहीं हुआ। जिस तरीके से वहाँ पर बताया जा रहा था कि खाना इसमें जो है मिलावट करके दिया गया है, क्या चीज किस चीज से गया है, तो पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में लगी हुई है। जी, जो छात्र घायल है उनके क्या हालत अभी बताए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो छात्र अभी घायल हैं और उनको जो है इलाज के लिए, औपचारिक के इलाज के लिए जो है वहीं ग्रेटर नोएडा में कैलाश एक हॉस्पिटल पड़ती है, उस हॉस्पिटल में उनको जो है औपचारिक के लिए भेजा गया है। वहां के डॉक्टरों के द्वारा कहा गया है कि अभी पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन उसके जो मालिक है उनसे अभी पूछताछ चल रही है कि आखिरकार जिस तरीके से खाना यहाँ पर बनाया गया है, खाना किस तरीके से बनाया गया, किस तरीके से इन्हें जो है परोसा गया है और लोगों को जो है इस तरीके दिया गया है, क्योंकि इसमें जो है पहले कोई ना कोई मिलावट हो सकती है, क्योंकि मिलावट होने का मतलब तो ये लगातार इसमें जिस तरीके से 100 से ज्यादा लोग जो है घायल हुए हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बीमार होने के कारण इसमें पता लगा है कि आखिरकार ये फूड पॉइजनिंग है। और जहाँ का जो जिस दुकान से ये खाना मंगाया गया था, जहाँ से ये सामान आया था खाने का, लेकिन उसके बाद भी वहाँ से भी पूछताछ पुलिस करेगी, लेकिन पहले उसके मालिक और जो वहाँ पर जो खाना बनाते थे दो लोग संचालक जो है उनको जो पुलिस ने अपनी हिरासत में ले रखा है, उनसे पूछताछ अभी जारी कर रखी है। जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही, लोकसभा चुनाव में सीएम योगी की एक बार फिर से मांग। यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी सीएम योगी के रोड शो की मांग। यूपी के अलावा अन्य राज्यों में सीएम योगी हैं लोकप्रिय। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है।
राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में करेंगे जनसभा, तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार में भी चुनावी जनसभा करेंगे सीएम योगी। पहले चरण के प्रत्याशी घोषित होने के बाद रैली रोड शो की मांग की जा रही है। चुनावी रैली जनसभा का प्रस्तावित कैलेंडर बीजेपी कर रही तैयार, तो यूपी के अलावा अन्य राज्यों में भी सीएम योगी की डिमांड बढ़ती जा रही है और अन्य राज्यों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी लोकप्रिय हैं और चुनाव के पहले जो है उनके रोड शो की मांग अन्य राज्यों में भी की जा रही। चुनावी रैली जनसभा का प्रस्तावित कैलेंडर बीजेपी तैयार कर रही है, तो यह अहम जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। और पहले चरण के प्रत्याशी घोषित होने के बाद रैली और रोड शो की मांग की जा रही है। तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार में भी चुनावी जनसभा कर सकते हैं और राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी जनसभा कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और बढ़ते आगे, मथुरा का बेसिक शिक्षा कार्यालय अपने आप में चर्चाओं में बना रहता है, लेकिन अब फिर से नया चर्चा का केंद्र बना है, जहां बीएसए में कार्यालय ने एक नया नोटिस लगाया है जिसमें लिखा हुआ है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मिलने के लिए अब आने वाले व्यक्ति को रजिस्टर में एंट्री करानी होगी, साथ ही अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई पहचान पत्र की फोटो कॉपी भी आपको लगानी होगी। सारी प्रक्रिया के बाद ही आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिल पाएंगे। बता दें कि यह नोटिस विभाग के दरवाजे पर चिपका हुआ है। वहीं ऐसे अजीबोगरीब आदेश को लेकर हर तरफ चर्चा शुरू हो गई है, आखिरकार माजरा क्या है। और बढ़ते हैं आगे, खबर लखनऊ से, जहां डायमंड प्लाजा में रहने वाले अनिल जेटली ने सुसाइड कर लिया। बता दें कि अनिल जेटली ने खुद को गोली मारकर सुसाइड किया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र उदयगंज के डायमंड प्लाजा का बताया जा रहा है। तो सुसाइड करने वाले का नाम अनिल जेटली बताया जा रहा है, जिसने गोली मारकर सुसाइड कर लिया है और लखनऊ का ये मामला बताया जा रहा है, जहां फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। संभल में सांसद इमरान प्रताप गढ़ी इंडिया अलायंस सरकार को लेकर भरोसेमंद दिखे, तभी उन्होंने इंडिया अलायंस की सरकार बनने का दावा किया। वहीं युवाओं को नौकरी पर मोदी सरकार को घेर कर कहा कि इंडिया अलायंस मजबूती से सरकार बनाएगा और कहा कि नॉर्थ इंडिया से इंडिया अलायंस को प्रचंड बहुमत मिलेगा। वहीं उन्होंने मदरसों पर कार्रवाई को चुनावी स्टंट बताया है, साथ ही ओवैसी पर हमला करते हुए कहा कि तेलंगाना ने ओवैसी को नकार दिया है। बहुत कद्दावर शख्सियत शफीकुर रहमान भट्ट साहब, जिनका पिछले दिनों इंतकाल हुआ, समाज के लिए, सियासत के लिए, मिल्लत के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे बहुत लगाव था, क्योंकि वो सियासतदान के साथ साथ एक अच्छे अदीब भी थे, एक अच्छे लिटरेरी इंसान थे, तो उनसे उस निस्बत से भी मेरा रिश्ता था। तो आज घर ताजियत में आया हूँ, उनके परिवार के साथ उस गम में खड़ा होने के लिए आया हूँ। और हमारे साथी जिया रहमान साहब जो असेंबली के मेंबर भी हैं, उनसे मिलके, परिवार से मिलकर के अपना अपने दिल के जज्बात उनसे साझा किया और उनके गम को बांटा। और बढ़ते आगे, बुलंदशहर के खुर्शा नगर कोतवाली क्षेत्र के हाईवे 34 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। बता दें कि एक तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसे, जिसमें एक मासूम समेत चार लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, वल्लभ भवन की चौथी मंजिल में लगी आग। मंत्रालय की चौथी मंजिल पर लगी आग, भोपाल में मंत्रालय भवन में लगी आग। तो भोपाल से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, भोपाल में मंत्रालय भवन में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद, फायर ब्रिगेड की टीम
आग बुझाने में जुटी है। तो मंत्रालय की चौथी मंजिल पर आग लगी है और सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची जो कि आग बुझाने में जुटी हुई है। भोपाल से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वल्लभ भवन की चौथी मंजिल में आग लग गई और भोपाल में मंत्रालय भवन में आग लगी है। तो भोपाल से ये जानकारी सामने आ रही है जहां सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई है। भोपाल से जानकारी सामने आ रही, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर फिलहाल मौजूद हैं और आग बुझाने में जुटी हुई है। भोपाल में जो है मंत्रालय भवन में आग लग गई है और इस दौरान जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां मौजूद हैं जो कि आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ आग लग चुकी है मंत्रालय भवन में और इस दौरान यहाँ फायर ब्रिगेड की टीम की ओर से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। नितिन, वल्लभ भवन की चौथी मंजिल में आग लग गई है, क्या जानकारी है? देखिए जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल वल्लभ भवन में आज भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग बताई जा रही थी, जहां जिस तरीके से वल्लभ भवन में आग लगी है चौथी मंजिल पर आग लगी थी, लेकिन उसके बाद फायर ब्रिगेड की जो टीम है मौके पर पहुंची रही है, पहुंची हुई है, आग बुझाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। बताया जाता है कि आग लगने से जिस तरीके से वहां के जो लोग थे उन सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। बता रहा है कि सतपुड़ा भवन का द्वार सरकार की जो सबसे महत्वपूर्ण इमारत है वो उसमें जो आज आग लगी है। बता रहे हैं कि वल्लभ भवन आग लगने की जो घटना को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर यादव ने बताया कि वल्लभ भवन जो है पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल है, जिस तरीके से आग लगी थी, आग लगने का कारण जो है पूरी तरीके से शॉर्ट सर्किट का बताया जा रहा है, लेकिन उसमें जो है फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो मौके पे पहुंची हुई है। जो आगे अंदर जो लोग थे उन लोगों को जो है पूरी तरीके से सुरक्षित जो है बाहर निकाल लिया गया है। और साथ ही इस तरीके से जो घटना हुई थी वो सुबह की सुबह अभी ही कुछ ही देर पहले ये घटना हुई है। बताया जा रहा है कि चौथी जो इमारत चौथी बिल्डिंग मंजिल की इमारत पे जो आग लगी थी और उस पर जो पूरी तरीके से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, फायर ब्रिगेड की कितनी टीमें वहां मौजूद है, किस तरह से इसे आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है? देखिए बिल्कुल, जिस बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम जो है वहां पर जो है चार से पांच गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं, आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। खुद मुख्य सचिव जो हैं वो इस मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद मोहन यादव ने इस मामले की पूरी तरीके से पुष्टि की है कि अभी कोई व्यक्ति यहां पर घायल नहीं है। जो मुख्यमंत्री हैं वहां के मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने खुद इसकी पुष्टि अपने आप ही की है कि वहां पर अभी कोई घायल नहीं है, किसी प्रकार के जो है यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। जिस तरीके से लोग आग लगी है उन सभी जो लोग थे उनको जो पूरी तरीके से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम जो है चार से पांच गाड़ियां मौके पे हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पे पूरी तरीके से उसकी जांच कराई जा रही है कि आखिरकार कैसे ये आग लगी है, क्योंकि बताया जा रहा था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग जो है लगी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो भोपाल से ये जानकारी सामने आ रही जहां वल्लभ भवन की चौथी मंजिल में आग लग गई है और मंत्रालय की चौथी मंजिल है जहां आग लगी हुई है। वहीं इस दौरान जो है किसी के हताहत होने की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। और बढ़ते हैं आगे, खबर हमीरपुर से है जहां शिक्षक राज बहादुर पर रील बनाने का खुमार चढ़ गया है। बता दें कि विद्यार्थियों को पढ़ाने के बदले शिक्षक रील बना रहा है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सुमेरपुर विकास क्षेत्र के अमीरता गांव के प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। सिर्फ हम पर ही जस्ती है, हमारे जैसे शौक मत पालो बेटा, हमारी अदाएं सिर्फ हम पर ही जस्ती है। और फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र के कैची मोड़ NH2 से एक मामला सामने आया है जहां शव लेकर जा रही पिकअप में आग लग गई। बता दें कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पिकअप में सवार सात लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। फिलहाल शव को दूसरे वाहन से ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। वहीं फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, MLC चुनाव को लेकर BJP और सपा तैयारी में जुटी। सपा MLC चुनाव में नहीं उतारेगी अतिरिक्त प्रत्याशी। BJP के पास 10 MLC जुटाने के लिए पर्याप्त बहुमत, 1 MLC सीट के लिए 29 विधायकों की वोट की जरूरत। कांग्रेस को मिलाकर सपा के पास 110 विधायकों का वोट, सपा को
तीन एमएलसी सदस्य जुटाने के लिए 87 वोटों की जरूरत। तो लखनऊ से अहम जानकारी सामने आ रही है, सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए के पास 286 विधायक है। 11 मार्च तक एमएलसी नामांकन की आखिरी तारीख है और 13 से ज्यादा प्रत्याशी होने पर 21 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। तो एक एमएलसी सीट के लिए 29 विधायकों के वोट की जरूरत है। लखनऊ से अहम जानकारी सामने आ रही, 13 से ज्यादा प्रत्याशी होने पर 21 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। तो कांग्रेस को मिलाकर अगर बात करें तो सपा के पास 110 विधायकों का वोट है। बढ़ते हैं आगे, खबर अमरोहा से है जहां ढग्गा मार वाहन चालकों की गुंडागर्दी देखने को मिली। बता दें कि दबंगों ने सिपाही को लाठी डंडों से पीटा। बताया जा रहा है कि हाईवे पर साइड ना देने को लेकर दबंगों ने पुलिसकर्मी को घेर कर पीटा। तभी पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और घायल सिपाही को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पिटाई का लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामला गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का बताया जा रहा है। तो ये पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे से ली हुई तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। अमरोहा की खबर बताई जा रही है जहां दो आरोपी मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और यहां डग्गामार गाड़ियों के ड्राइवरों की गुंडागर्दी देखने को मिली। तो ये मामला जो है गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का बताया जा रहा है और जो पूरी घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।